हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत ब्यूटी कॉर्नर। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हुडा ब्यूटी के दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं गाइज, ये मुझे कॉम्बो में रिसीव हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों का रिव्यू एक साथ ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइज, इस तरीके के बॉक्स में मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हुडा ब्यूटी और ये स्क्वायर शेप में एक बॉक्स है। ये जो मैंने कॉम्बो बाय किया है गाइज, ये मैंने मीडियम शेड में किया है। इसमें आप लाइट में भी कर सकते हो, मीडियम में भी कर सकते हो, डार्क में भी। तीन तरीके के कॉम्बोस इस बॉक्स में आपको मिल जाते हैं, जो आपको अपनी स्किन के या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले गाइज, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से इस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट्स हमें रिसीव होते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ये इस तरीके का बॉक्स है और यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और जो जो हमने लिया है वो सब इस बॉक्स के ऊपर ही मेंशन है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अभी इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है क्योंकि मैंने निकाल के बाहर रखे हुए हैं। इसके अंदर है पेपर, जो मैंने आपको मिनी सिल्क लिप बाम दिखाई थी वो भी ऐसे ही पेपर के अंदर थी, लेकिन उन लिप बाम्स का पेपर मैंने फेंक दिया था, इसका इसी में पड़ा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए इसे साइड पे रख लेते हैं बॉक्स को पहले। और ये देखिए, ये है वाइट कलर का पेपर, ठीक है, इस तरीके का ये पेपर होता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे से उन्होंने दोनों प्रोडक्ट्स, ये दो तीन है आप देख सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके से पैक किए होते हैं, ठीक है, इस पेपर के अंदर, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। और गाइस, ऐसे ऐसे रख देते हैं और देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें रिसीव हुए हैं इस बॉक्स के अंदर। चलिए पहला प्रोडक्ट देखते हैं हमारा। तो गाइस, पहला प्रोडक्ट है हमारा ये आई शेडो पैलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है न्यूड मीडियम हुडा ब्यूटी। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर आपको मीडियम, लाइट और डार्क तीन शेड्स मिलते हैं, तो मैंने जो मंगवाया है वो है मीडियम। इस पैलेट का नाम है न्यूड मीडियम। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इस पैलेट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिरर मिलता है, और गाइज यहाँ पे आपको 9 डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। ये मैंने न्यूड मीडियम मंगवाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं मीडियम शेड्स हैं। अगर आप इसमें डार्क पैलेट लोगे तो उसमें डार्क शेड्स मिलेंगे, लाइट लोगे तो लाइट शेड्स मिलेंगे, लेकिन मैंने मीडियम शेड्स लिए हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि 5 मुझे मैट शेड्स मिले हैं और 4 ग्लिटरी शेड्स मिले हैं। चलिए गाइज, मैं आपको इनके स्वैचेस भी दे देती हूँ। वैसे तो आपको पता है कि हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चलिए स्वैचेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्राउन शेड का स्वैच। मैं ऐसे रख रही हूँ मिरर की वजह से। ये देखिए, ये पूरा कॉफी ब्राउन है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम थोड़ा रस्ट ऑरेंज में है ग्लिटरी शेड, वो देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तीसरा शेड मैं आपको दिखाती हूँ, न्यूड शेड। एक न्यूड मैं रस्ट दिखाऊंगी आपको, थोड़ा रस्टी सा न्यूड, और दूसरा न्यूड पिंक दिखाऊंगी। ये है न्यूड रस्ट, ये देखिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिंक शेड, न्यूड पिंक। यहाँ पे है न्यूड पिंक, ये देखिए गाइस, ये लास्ट है न्यूड पिंक। गाइस, काफी अच्छे कलर्स इस पैलेट में इन्होंने हमें दिए हैं। ये 9 के 9 शेड्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस, इनके साथ आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो। और गाइस, पिगमेंटेशन तो आप देख ही सकते हैं। बाकी गाइस, इससे पहले भी मैंने हुडा के दो आई शेडो पैलेट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हुडा के आई शेडो पैलेट्स की पिगमेंटेशन कैसी होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पे है मेरे पास हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये मिनी लिपस्टिक है, इसके शेड का नाम है ट्रेंड सेटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा न्यूड ब्राउनिश शेड है गाइज ये। चलिए आपको स्वैच भी दे देती हूँ। ये देखिए, वाव, इसकी जो खुशबू है गाइस, बिल्कुल एक चॉकलेट की तरह है, पूरी चॉकलेटी चॉकलेटी खुशबू है, जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और शेड आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है गाइस। अगर आप अपने लिए लिपस्टिक में कोई अच्छा सा न्यूड शेड ढूंढ रहे हैं, तो आप हुडा ब्यूटी की लिक्विड मैट में ये लिपस्टिक ले सकते हैं, जिसका शेड नेम मैंने आपको बता दिया है, शेड नेम है ट्रेंड सेटर। सो गाइस, यही थे वो दो प्रोडक्ट्स जो मुझे इस बॉक्स के अंदर रिसीव हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्स भी बनी है दोनों प्रोडक्ट्स की। चलिए गाइज, इस कॉम्बो के प्राइस की बात करते हैं। गाइज, इस कॉम्बो का प्राइस यहाँ पे मेंशन है, इसका प्राइस है 2400, मतलब 2400 में ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं।
जैसे कि मैंने आपको इसके लाइट और डार्क शेड का भी बताया कि इसमें दो और होते हैं, उनकी फोटोज भी मैं साइड पे कहीं लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कि उसमें आपको कैसी लिपस्टिक और आई शेडो पैलेट मिलता है। लेकिन इन तीनों में से गाइज मुझे मीडियम ही ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें मुझे मिल रही थी ट्रेंड सेटर लिपस्टिक, जो कि शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मीडियम में आई शेडो पैलेट के भी सभी शेड्स मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। अगर आपको डार्क या लाइट चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। गाइज इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी 2 ईयर्स की है, तो 2 साल तक आप आराम से इनको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज एंड करते हैं आज की इस रिव्यू वीडियो का। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।